तो गाइस जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं राहुल राठौर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राहुल राठौर ब्लॉग। तो गाइस आज जो मैं आपको गांव दिखाने वाला ना, वो तकरीबन यहां के बॉर्डर के करीब गांव बना हुआ है। और ये हम पाकिस्तानी हिंदू हैं, तो हम आपको रहन सहन दिखाते रहते हैं, यहाँ का घर वगैरह दिखाते रहते हैं, यहाँ का होम दिखाते रहते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को जो लाइक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हिंदू गांव और उनका रहन सहन दिखाने जा रहा हूँ कि उनका रहन सहन कैसा, उनका गांव कैसा है, किस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल है और किस तरीके से वो रहते हैं। हमारा मुकम्मल ब्लॉग देखिए। तो अभी मैं आया हूँ इधर, देख सकते हैं इनके जानवर वगैरह बांधे हुए, वहाँ पर आ चुका हूँ। जानवर वगैरह देखें कि किस तरीके के जानवर हैं, मुकम्मल वीडियो इन्जॉय करें। तो गाइस जानवर देख सकते हैं, यह है भैंस, यहाँ पर पाकिस्तान में भैंस होती है। और यह है गाइस इसका, इसकी जो बेटा है, तो ये अभी दूध दे रही है, बहुत अच्छा दूध देती है। इसमें ये घास वगैरह खाती है। तो आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि यह है गाइस इसकी बेटी और यह इसकी मदर, यानी कि गौ माता हमारी। और यह इसके अंदर घास खाती है और इनको जो है ना बांध कर रखा जाता है रस्से, यहाँ पर इनको लोग इनको बांध कर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी के पास इस तरीके की ना, तो ये मिक्स हो जाती है और फिर जो ये गुम हो जाती है, तो इसको भी बांध कर रखा। और यह है इसका घास फेंकने वाला, जिसमें घास वगैरह खाती है। घास इनका देख सकते हैं किस तरीके का घास है, यह है इनका घास, यह है गाइस हमारी गौ माता। तो आगे दिखाते हैं आपको, इनके जानवर वगैरह दिखाते हैं और पूरा मुकम्मल गांव एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बॉर्डर भी दिखाता हूँ कि साथ में जो बॉर्डर के बने हुए, यह है गाइस बकरियाँ वगैरह, ये इनके अंदर घास वगैरह खाती है। और आगे हम चलते हैं, यह है गाइस इनका छपरा वगैरह और ये सामान वगैरह पड़ा है। और इधर चारपाई देखो, बड़े वाली चारपाई पड़ी जिस पर आदमी वगैरह बैठते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं, गन्ना वगैरह देख सकते हैं। तो गाइस है ये, यहाँ पर अभी सर्दी है, सर्दी के लिए यहाँ पर जो जानवरों को फिर अंदर बांधा जाता है यहाँ पर। यह गाइस बाइक, ये बाइक देख सकते हैं गाइस, पाकिस्तानी बाइक है। और ये इस बाइक का नाम है सीडी, यानी इसको सीडी बोला जाता है। और साथ में एक बाइक है, ये है गाइस चाइना, इसको चाइना बोला जाता है, क्योंकि चाइना ने बनाई है ये। ये देख सकते हैं काफ़ी देर से खड़ी है, मुझे लगता है इस पर मट्टी देख सकते हैं बहुत देर के बाद थोड़ी। और ये इनकी खाद वगैरह। तो इधर एक भाई खड़ा, उनका उसका इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं। तो यह है मोटरसाइकिल, ये भी सीडी है, ये न्यू है गाइस, अभी जैसे छापर वगैरह आईने वगैरह लगे हैं। और यहाँ पर पानी वगैरह, कूलर वगैरह देख सकते हैं, इसके अंदर जो पानी वगैरह पीते हैं देख सकते हैं। और इधर जो इनके बर्तन वगैरह पड़े हैं। और यहीं पर एक मंदिर बना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यह है गाइस मंदिर, आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। जूता अभी उतार रहे हैं, जूता उतार दिया। तो अब अंदर लाइट भी जल रही है। और ये देख सकते हैं रामा पीर का मंदिर बनाया हुआ है। तो अभी इधर बर्तन वगैरह देख सकते हैं आप, ये वाले इसके अंदर खाना वगैरह पकाते हैं। और ये कपड़े इसके ऊपर सुखाते हैं, ये कपड़े देख सकते हैं आप, ये जो कपड़े की तार है, तार के ऊपर जो कपड़े वगैरह ये टांग कर सुखाते हैं, बच्चों के कपड़े हैं ये, है ऐसे बोरे। तो इसके अंदर देखते हैं कि इन्होंने इसके आगे जो गेट वगैरह लगा, इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा। इसके अंदर जाएगा इस किचन का सामान है, यानी खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। तब तो काम कर। तो भाई ये देखते हैं डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं, आपको डिज़ाइन दिखाते हैं, हैं रल की। अभी आपको इनका किचन दिखाते हैं, छोटा सा किचन बनाया हुआ है। इसके ऊपर गाइस सालन वगैरह पकता है, इसके ऊपर रोटियां वगैरह पकाते हैं। और आगे इनके आगे कमरे, ये है गाइस चावल, ये चावल सूख रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये गाइस चावल सूख रहे हैं। और कमरा दिखाते हैं आपको, ले यह गाइस कमरा, यहाँ पर कपड़े वगैरह टांगते हैं, यहाँ पर छाता वाला पंखा लगाया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइट का सामान देख सकते हैं आप।
तो जितने भाई हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम मज़ेदार वीडियो बनाते रहे। अभी आपको पूरा गाँव इंजॉय कराते हैं, अभी जाना नहीं। इधर कपड़े वगैरह देख सकते हैं, यह है गाइस पेट। इसके अंदर भी सामान होता है, इसके अंदर भी सामान होता है, उसके अंदर भी सामान होता है, उसके अंदर भी सामान है। छत देख सकते हैं, कच्ची छत होती है और ये कमरे भी कच्चे हैं। तो यह है कच्चे कमरे, आगे भी एक कमरा और है, उसके आगे एक कमरा और है, वो भी दिखाते हैं। सब कच्चे हैं कमरे हैं। इधर भी चावल सूख रहे हैं, चावल बहुत अच्छे हैं। ये कमरा देख सकते हैं आप, इस तरह के कपड़े वगैरह है इसके अंदर। इस पेटी है, इसके पेटी के अंदर सामान है और ऊपर भी सामान है। यहाँ पर कपड़े हैं, यहाँ पर बोरियाँ वगैरह पड़ी है कोई इनका सामान। ये चार पैस होते हैं और पंखा देख सकते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, कच्चे घर में लोग रहते हैं, आवाम दिखाते हैं। और मैं आपको जो पूरा इनका व्लॉग वगैरह एंजॉय कराता हूँ। अगर आपने पाकिस्तानी हिंदुओं का लाइफस्टाइल देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी जो जितनी भी वीडियो आती है वो ताज़ा आप तक पहुँच सके। तो आगे एक और कमरा है, ये चारपाई पड़ी है, ये भी चारपाई। ये कमरा है, इसका गेट खोलते हैं। और इधर भी एक बाइक खड़ी देख सकते हैं, और ये बाइक बहुत ज़्यादा सस्ती है और इसलिए हर आदमी के पास ये बाइक है। ये इस बाइक का नाम भी सीडी है। और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया गया है, और सामान पड़ा है। ये चारपाई वगैरह पड़ी है, इधर भी चारपाई, इधर भी सामान है। ये गाइस पंखा इनका, और इधर देख सकते हैं आप, ये भी बाइक है। तो आगे भी मकमल आपको एंजॉय कराते हैं, इनका बर्तन वगैरह, इनका किचन वगैरह। ये है गाइस इनका किचन है, वो खाने पीने का सामान है इसके अंदर, उनके जानवर देख सकते हैं आप। तो चैनल के साथ बने रहिए, आगे भी आपको दिखाते हैं। इधर भाई काम कर रहा है, तो अभी उधर भाई काम कर रहा था, इधर आ चुके हैं, इनका जानवर दिखा रहे हैं। तो अभी इधर एक भाई सेंटर लेते हैं। राम राम भाई। जय श्री राम भाई, क्या हाल है? बहुत अच्छे। अच्छा आपका गांव यहाँ, ये आपका गांव है इधर? हाँ जी, हमारा गांव इधर ही है, लेकिन थोड़ा दूर इधर बॉर्डर पर करीब है। बॉर्डर भी है साथ में? हाँ जी। तो बॉर्डर के साथ आप रहते हैं यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा, तो ये जानवर वगैरह आपके हैं? आपका घर तो मैंने मकमल दिखा दिया, आप पता नहीं कहाँ घास वगैरह काट रहे थे, तो आप घर मकमल दिखा दिया। तो ये भाई है, इनका घर वगैरह है। तो ये बॉर्डर आगे मैं दिखाता हूँ, साथ में ही आप हम चलते हैं। तो ये गांव जो इधर है, तो इस भाई का नाम है विक्रम राम। गाइस इधर से व्यू देख सकते हैं आप सब, हम जो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, वो जो इधर है साथ में बॉर्डर है, ये देख सकते हैं बॉर्डर का जो क्रॉस लगा हुआ है, तो ये साथ में बॉर्डर आ गए। तो भाई साहब चाय पका रहे हैं, देख सकते हैं आप। कारीगर है, मालूम है क्या है ये? ये सोंड है, सोंड है। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा है ये गर्म होता है, ये चाय बहुत अच्छी बनती है इसकी। अच्छा। चाय में डालने से बहुत अच्छी चाय बनती है और जोड़ों के दर्द खत्म हो जाते हैं इनसे। तो देख सकते हैं भाई साहब खुद जो चाय पका रहे हैं, नीचे आग जल रही है, ऊपर दूध के अंदर पत्ती डाली है। के भाई साहब एक घास कुतर रहा है इन जानवरों के लिए, ये छोटा सा बछड़ा है। और ये गाय देख सकते हैं इधर जो घास खा रहे हैं। तो ये भाई साहब देख सकते हैं जनरेटर स्टार्ट कर रहा है। देखिए हम उधर वीडियो बना रहे थे, पूरा एक घंटा हो गया इस भाई साहब से जो जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। और इस घर से देख सकते हैं किस तरीके से झोपड़ी वगैरह है, किस तरीके से कच्चे घर हैं। और इसके अंदर जाकर गाइस क्या इसके अंदर रहन सहन हो सकता है आप देखें पहले गाइस, यहाँ पर बारिश वगैरह आ जाए तो यहाँ पर कैसे आदमी रहेगा। तो हिंदू लाइफ के मुताबिक मुकम्मल वीडियोस बनाते हैं हम लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना ताकि आप हमारी वीडियो पहुँच सके। तो आज की वीडियो का यहीं पर दी एंड करते हैं, सुबह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्ते।